आई एम मुजीबुल्ला इंचार्ज प्रिंसिपल नेशनल इंटर कॉलेज मुरड़िया बेग डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर. डियर ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन वर्चुअल क्लास थ्रू इन आईसी स्टडी चैनल. वी विल स्टडी टुडे अबाउट सब्जेक्ट इंग्लिश. And in this subject, in the part of the prose of the second lesson of fellow traveler, the author of the lesson of fellow traveler is A.G. Gardner. He belonged to London and he assumed black cap. He was traveling by a train. And his journey, first of all, when he entered into the train was tolerably full. प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इस क्लास में इन आई सी स्टडी चैनल के द्वारा क्लास 12 सिलेबस पाठ्यक्रम में सेकंड लेसन दूसरा पार्ट ऑफ फेलो ट्रैवलर के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे. इसके आथर लेखक एजी गार्डनर हैं और एजी गार्डनर ने इस लेसन के माध्यम से बहुत ही रोमांटिक एक पार्ट, उन्होंने बहुत ही हास्यास्पद तरीके से इस पार्ट को प्रस्तुत किया है, लिखा है. और वास्तव में, हकीकत में, इस लेसन को पढ़ते समय, अध्ययन करते समय हमें एक प्रकार की सुखद अनुभूति का एहसास या आभास होता है. जब वो यात्रा कर रहे थे तो लंदन एक ट्रेन में सवार हुए और सवार होने के बाद में जो ट्रेन थी वो पूरी तरह से भरी हुई थी. व्हेन द सुबर्बन स्टेशंस केम, द ट्रैवलर्स एलाइटेड इन वंस आर टूज एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द आउटर स्टेशन ऑफ लंदन केम द ट्रेन वाज होली एम्प्टी. जब लंदन से चलने के बाद में वो ट्रेन कई स्टेशनों को पार करते हुए और कंपार्टमेंट से एक या दो चार की संख्या में यात्रियों के उतरने के बाद एक आउटर स्टेशन पर पहुंची, तो पहुंचने के बाद में ट्रेन पूरी तरह से खाली थी. देयर वॉज नॉट एनी अदर ट्रैवलर इन द कंपार्टमेंट ऑफ एजी गार्डनर, ही वॉज ऑल अलोन इन द कंपार्टमेंट. कुछ समय के बाद में ट्रेन से यात्रियों के खाली होने के बाद में जिस कंपार्टमेंट में, जिस डिब्बे में बैठकर एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे, उसमें दूसरा कोई सहयात्री उनका फेलो ट्रैवलर नहीं था. वो पूरे कंपार्टमेंट में अकेले बैठे थे और अकेले बैठने के बाद में कुछ समय के बाद में उनके डेली रूटीन में उन्हें मैगजीन पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना और कुछ अपने विषय से संबंधित बातों को याद करना उनके जीवनचर्या में शामिल था. बट एक आभास, एक व्यू, एक विचार एजी गार्डनर ने, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर अकेला हो तो वो क्या कर सकता है. ही हैड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, व्हेन देयर इज ए पर्सन हु इज ऑल अलोन एट एनी प्लेस आर इन ए कंपार्टमेंट, ही कैन डू सो मेनी टाइप्स ऑफ द एक्ट्स. ही कैन सिंग लाउडली, ही शाउट लाउडली, ही डांस बाई कमिंग फॉरवर्ड वन आर टू स्टेप्स, ही कैन स्टैंड ऑन हिज हेड, ही कैन जम्प फ्राम ए सीट टू अनदर. इस प्रकार के बहुत से क्रियाकलाप एक व्यक्ति के द्वारा जो किसी स्थान पर अकेले हों वो कर सकते हों. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपार्टमेंट में अकेला हो तो अकेला होने के बाद में वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कर सकता है. जैसे वो बहुत तेज़ी से गाना गा सकता है, वो एक सीट से दूसरी सीट पर उछल सकता है, कूद सकता है, बहुत ही तेज़ ज़ोरदार आवाज़ में बोल सकता है, खिड़कियों को खोल सकता है, दरवाज़ों को खोल सकता है, बंद कर सकता है, अपने सर के बल खड़ा हो सकता है. But among all these activities, the author of this lesson, A.G. Gardner, had not done anything. वो आसानी से
अपनी सीट पर बैठ गए और बैठने के बाद में उन्होंने मैगजीन को पढ़ना प्रारंभ किया, शुरू किया। शुरू करने के बाद में उनका जो फेलो ट्रैवलर था, ही केम एंड सैट ऑन हिज नोज, उनका जो फेलो ट्रैवलर या सहयात्री था वो आया और आने के बाद में उनकी नाक पर बैठ गया। एजी गार्डनर फ्लिक्ड हिम ऑफ, एजी गार्डनर ने उसे अपनी नाक से क्या क्या उड़ा दिया। उड़ने के बाद में वो कंपार्टमेंट में गया, उसमें जो लाइट लगी थी, जो बल्ब लगे थे, उनके चारों तरफ राउंड किया। बट हु आर दिस फेलो ट्रैवलर, लेकिन अब ये क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि उनका सहयात्री कौन था। उसके बारे में आथर ने लिखा, ही वॉज अ निपी विंगी इंट्रेपिड दैट वी वैगुअली कॉल्ड मॉस्किटो। वो एक ऐसा प्राणी था जो सूढ़ों वाला था, जो पंखों वाला था, जिसे निश्चित रूप से हम, अस्पष्ट रूप से हम मच्छर के बारे में जानते हैं। तो रियली द फेलो ट्रैवलर ऑफ एजी गार्डनर व्हाइल ही वॉज ट्रैवलिंग बाई ए ट्रेन फ्रॉम लंदन वॉज नॉट एनी अदर पर्सन बट ही वॉज अ मॉस्किटो। वो एक मच्छर था जो उनका सहयात्री बना उस रात में, जबकि कंपार्टमेंट पूरी तरह से वो क्या थे, अकेले थे। कुछ समय के बाद में फिर जब वो मॉस्किटो कंपार्टमेंट के चारों दिशाओं में उड़ने के बाद में आया, तो आने के बाद में फिर उनके हाथ के पिछले हिस्से पर बैठ गया। जब उनके हाथ के पिछले हिस्से पर बैठा तो बैठने के बाद में एक बार फिर एक अजीब एहसास, जो एक छोटे से प्राणी के द्वारा एक इतने बड़े प्राणी को, इतने बड़े व्यक्ति को, जो बार बार उनके साहस को और उनके विश्वास को चकमा दे रहा था, उन्होंने फिर उसे उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में वंस अगेन द मॉस्किटो हैड गॉन टू द राउंड ऑफ द कंपार्टमेंट, ही फ्लटर्ड हिज विंग्स बाय गोइंग टुवर्ड्स द लैंप्स, ही वेंट टुवर्ड्स द विंडो, ही वेंट टुवर्ड्स द डोर, एंड आफ्टर थर्ड टाइम ही केम एंड सैट ऑन द निक ऑफ द ऑथर एजी गार्डनर। तीसरी बार जब फिर वो मॉस्किटो, उनका जो सहयात्री था, वो जब गया तो जाने के बाद में वो इस बार आया और आने के बाद में उनकी गर्दन पर बैठ गया। लेकिन जब तीसरी बार उनका सहयात्री फेलो ट्रैवलर, जिसे हम मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, जब वो बैठा, तो बैठने के बाद में द पर्सनल वैनिटी ऑफ द ऑथर एजी गार्डनर अराउज्ड, व्यक्तिगत उनकी जो गरिमा थी उनको कहीं ना कहीं से ठेस लगा, और ठेस लगने के बाद में उनके मन में इस बार का आभास हुआ, एहसास हुआ कि एक छोटा सा प्राणी जो मेरे मुकाबले में, मेरे कंपैरिजन में, मेरे किसी पार्ट के बराबर नहीं है, मुझे बार बार क्या कर रहा है, वो परेशान कर रहा है। तो अपनी पर्सनल वैनिटी को जगने के बाद, अराउज होने के बाद में उन्होंने समाचार पत्र को लिया, और समाचार पत्र को लेने के बाद में उस मॉस्किटो को उसके पीछे पीछे जहाँ कहीं भी वो गया, वो खिड़की के पास गया, दरवाज़ों के पास में गया, लैंप के पास गया, एजी गार्डनर ने उसको दौड़ाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन काफ़ी देर तक वो सीट पर उछले, उसके पीछे पीछे गए, और जाने के बाद में जब उससे वो मारने के योग्य थे, जब वो नहीं मार सके, तो न मारने के बाद में उसने उस मॉस्किटो को फेलो ट्रैवलर के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस को लगाए। तो दीज वेर दी एलिगेशंस दैट वाज इम्पोज्ड बाय द ऑथर ऑफ दिस लेसन एजी गार्डनर टू मॉस्किटो वाज दैट ही वाज ए पर्सन दैट हैड नो मीट कूपन, ही वाज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, एंड ही वाज आल्सो अ पर्सन हु हैड पब्लिक नॉइजेंस। इस प्रकार के एलिगेशन और आरोप को एजी गार्डनर ने उस मॉस्किटो के ऊपर, मच्छर के ऊपर लगाया कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास भोजन करने के लिए कोई कूपन भी नहीं है, और तुमने बार बार इस कंपार्टमेंट आकर मुझे और दूसरे व्यक्तियों की जो सार्वजनिक शांति थी उसको तुमने क्या किया है, भंग किया है। भंग करने के बाद में एक बार फिर एजी गार्डनर आए और आने के बाद में अपनी सीट पर बैठ गए, और बैठने के बाद में ही पुट आउट अ न्यूज़पेपर टू स्टडी ऑफ इट, उन्होंने एक समाचार पत्र को निकाला और समाचार पत्र को निकालने के बाद में पढ़ना प्रारंभ किया। तो जैसे ही उन्होंने समाचार पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया, उस समाचार पत्र के दो पेज थे, दो पेज में एक पेज पर एक टाइटल थी, एक टॉपिक थी जिसका नाम पीस ट्रैप था,
और दूसरे पेज पर एक टॉपिक थी जो थोड़ा सा बोर्ड में लिखी हुई थी, जिसका नाम मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज था। जब उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया तो प्रारंभ करने के बाद में एक बार फिर हिज फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन द पेज ऑफ द न्यूज़पेपर बिटवीन द टू टॉपिक्स द पीस ट्रैप एंड मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज। लेकिन एक बार फिर जैसा कि इसके पहले एजी गार्डनर की जो पर्सनल वैनिटी थी जो अराउज हुई थी, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पर्सन हु एज्यूम ब्लैक कैप, चूँकि वो ब्लैक कैप धारण करते थे, लंदन के एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों में उनका नाम था, उनका संबंध एक न्यायालय से था। अब उसके बाद में जब लास्ट में फिर उन्होंने पाया कि जो उनका फेलो ट्रैवलर सहयात्री है मॉस्किटो है, जब उन दोनों टॉपिक के बीच में वो बैठ गया है, तो बैठने के बाद में उन्होंने उस मॉस्किटो से कहा कि अगर मैं इस समाचार पत्र के दोनों पृष्ठ को बंद कर दूं, तो ये जो दोनों पृष्ठों पर टॉपिक है पीस ट्रैप और दूसरे मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, तुम इनके बीच में दब करके तुम सैंडविच बन जाओगे। लेकिन सैंडविच बनने के बाद में जैसे ही फिर उनके मन में ये विचारधारा आई, और आने के बाद में जैसे ही उन्होंने उस समाचार पत्र के दोनों पेज को पृष्ठों को बंद करने का प्रयास किया, वंस अगेन द फेलो ट्रैवलर हु वाज रियली अ मॉस्किटो चीटेड मिस्टर एजी गार्डनर एंड ही फ्लू फ्रॉम देयर। लेकिन अब इसके बाद में फिर एजी गार्डनर के पास में इससे पहले मॉस्किटो को कंपार्टमेंट की चारों दिशाओं में दौड़ाने के बाद में, उसके मारने के प्रयास को करने के बाद में, अपने हाथों से और अपनी स्टिक से और समाचार पत्रों से जब मारने के वो अयोग्य थे, तो अयोग्य होने के बाद में फिर बाद में उनके पास और कोई विचारधारा नहीं थी, बल्कि सिंपैथी और मर्सी की भावना उस मॉस्किटो के प्रति मिस्टर एजी गार्डनर को आई। और एजी गार्डनर को आने के बाद में उन्होंने कहा, आई रिप्रीव यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम एक प्राणी हो और मैं भी क्या हूँ, एक प्राणी हूँ, तुम्हारा जो जीवन है मेरे प्राणों से, मेरे शरीर से कुछ ब्लड को निकालने के बाद में जीवन यापन करने का है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ट्रेन फिर आगे चली और आगे चलने के बाद में कुछ समय के बाद में जब नेक्स्ट स्टेशन आया, एजी गार्डनर पूरी तरह से आराम से अपने सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, रुकने के बाद में एक पोर्टर आया, और पोर्टर आने के बाद में उसने ही कॉल्ड एजी गार्डनर दैट सर इट इज़ योर स्टेशन, यू हैव रीच्ड एट योर डेस्टिनेशन, श्रीमान जी, श्रीमान जी आपका स्टेशन आ गया है और आपको इसी स्टेशन पर उतरना है। तो एज एजी गार्डनर हैड हर्ड द वॉइस ऑफ द पोर्टर ही अराउज्ड एंड ही took his stick, newspaper and other necessary articles alighted from the compartment. अपने सभी आवश्यक वस्तुओं को, अपने स्टिक को और समाचार पत्र को लेने के बाद में एजी गार्डनर उस कंपार्टमेंट से डोर को खोल करके बाहर निकले, और निकलने के बाद में जैसे ही वो प्लेटफार्म पर खड़े हुए, वंस अगेन ही थाट अबाउट हिज फेलो ट्रैवलर, एक बार उन्होंने फिर अपने सहयात्री के बारे में सोचा और विचार किया। विचार करने के बाद में उन्होंने पाया कि उनका जो सहयात्री था इस वक्त उस पूरे कंपार्टमेंट में ही वाज ऑल एलोन, देर वाज नॉट एनी अदर सिंगल पैसेंजर इन दैट कंपार्टमेंट, एंड ही फाउंड दैट ही वाज फ्लटरिंग अराउंड द लाइट। और अंत में स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरने के बाद में जब एजी गार्डनर ने अपने सहयात्री के बारे में जानने का प्रयास किया, तब उन्होंने पाया कि उनका जो सहयात्री था, जो वास्तव में रियली एक मॉस्किटो था, वो अभी भी उस कंपार्टमेंट के एक बल्ब के, एक लाइट के चारों ओर फ्लटर कर रहा था, उड़ रहा था। तो दैट वाज रियली अ वेरी रोमांटिक लेसन दैट हैज गिवन अस अ चांस टू मेक अ मॉकरी टुवर्ड्स टू पर्सन, द फर्स्ट वाज द ऑथर ऑफ दिस लेसन एजी गार्डनर, एंड द सेकंड वाज अ लिटिल क्रीचर हु इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ द मॉस्किटो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों के लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे संसार में जितने भी, चाहे वो सजीव हों या फिर निर्जीव हों, सभी प्राणी हैं, सभी लोगों को ईश्वर या अल्लाह ने पैदा किया है, जन्म दिया है, हम सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं पर पूरी तरह से निर्भर हैं, डिपेंड हैं। किसी ऐसी परिस्थिति आने पर जहाँ की ऐसे प्राणियों को जो थोड़ा सा हमसे भिन्न है या फिर अलग हैं, अगर हमारी किसी आवश्यकता को पाने के बाद में, हमारी किसी ज़रूरत से, हमारी किसी और सहायता से उनका जीवन अगर पूरी तरह से यापन होता है, तो हमें ऐसी स्थिति में
उनको सहायता करने की आवश्यकता है, और सहायता करने के साथ साथ अगर हम उनके कुछ क्रियाकलापों एक्टिविटीज़ से अगर हमें कुछ बातें गलत लगती हैं, ख़राब लगती हैं, तो उन बातों को हमें पूरी तरह से क्षमा करना चाहिए। थैंक यू सो मच।